असुविधा का सामना आपको न करना पड़े, सुरक्षा के अधिकारियों से अपने माले की जांच आप करा लें। मित्रों, इस मंच को खाली कराएं। और अगर ऐसा है तो सबसे पहले याद होगा जो संपन्न लोग हैं उन्होंने गैस की सब्सिडी छोड़ी थी, इसलिए छोड़ी थी कि उस गैस की सुविधा गरीब व्यक्ति तक पहुंच जाए। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात वहां राम दरबार प्रतिमा एवं परम ऋषि चौराहा बाबा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करके आशीर्वाद किया। कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया यहां रमाबाई रैली स्थल पर अभी करीब एक मिनट पहले आ चुके हैं। राजा भैया ने अपनी नई जो पार्टी बनाई है जनसत्ता पार्टी, उस पार्टी के बैनर तले यहां पर रमाबाई रैली स्थल पर हजारों नहीं लाखों की संख्या पे जन समर्थक उनके आ चुके हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि पूरा रमाबाई रैली स्थल राजा भैया के समर्थकों से खचाखच भरा हुआ है। दूर दराज तमाम सारे रास्तों पे भी पब्लिक को आप आसानी से देख सकते हैं। राजा भैया यहां रैली स्थल पर आ चुके हैं और लोगों से अभिवादन भी कर रहे हैं। राजा भैया अपने निर्दलीय विधायक के तौर पर 25 साल का राजनीतिक सफर जो पूरा हुआ है उसके बाद उन्होंने एक अपनी जनसत्ता पार्टी बनाई है। धीरज त्रिपाठी, ईटीवी, लखनऊ।